स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है ये। और वाइब्रेटरी मोशन हम जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा हो और अपनी मोशन रिपीट कर रहा हो बार बार, उस मोशन को हम उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसको हम एक और भी नाम देते हैं ऑसिलेशंस का। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पेशलाइजेशन क्या है, क्यों खास है ये? बेसिकली इसमें एक खास किस्म की फोर्स जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं वो एक्ट करती है। ये यानी कि ये फोर्स, ये मोशन जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स की अंडर होती है। और फिर इसमें जो है रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स, एक तो ये पॉइंट है इसमें। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अब हमें पता है फोर्स की वजह से एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है तो उसके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस भी करता है, एक डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। तो एक्सलेशन जो है उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये मीन पोजीशन से होता है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन होती है। और फिर जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है ये मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होता है। मीन पोजीशन क्या, कैसी पोजीशन है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या क्या है, कहाँ से जो है वो आती है, ये भी हम देखेंगे। थर्ड करेक्टरिस्टिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये है कि एक्सलेशन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजिशन है। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो मीन पोजिशन की तरफ होती है, टुवर्ड्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन। अब हम ये देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है, यानी कि ये तीन पॉइंट जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफाइन किए कि एक तो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें एक्ट करती है, एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फिर एक्सलेशन जो है वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो इसको समझने के लिए, सब चीज़ों को समझने के लिए हम एक मैस स्प्रिंग सिस्टम असेंबली लेते हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम ये करते हैं कि एक ब्लॉक जो है हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मैस m है। ये अटैच है एक स्प्रिंग से। ये स्प्रिंग जो है ये इलास्टिक स्प्रिंग है। इलास्टिक स्प्रिंग से मुराद ऐसा स्प्रिंग जिसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकें या एक्सपेंड कर सकें। तो कंप्रेस या एक्सपेंड करने के बाद अगर उसे छोड़ें तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। तो ऐसे स्प्रिंग को हम इलास्टिक स्प्रिंग कहते हैं। ये सारा सिस्टम जो है एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, और ये इस सरफेस को हम फ्रिक्शन लेस सरफेस कहते हैं। फ्रिक्शन लेस सरफेस से मुराद ऐसी सरफेस जिसकी कोई फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट ना करे, लेकिन ऐसी आइडियल, ये आइडियल सिचुएशन है। अदरवाइज हर सरफेस की कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है, और लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शन का इफेक्ट बहरहाल नहीं देख रहे, इसीलिए फ्रिक्शन लेस सर्फेस कंसिडर कर रहे हैं। मैस मैस जब रेस्ट फॉर्म में होगा तो ये एक पोजिशन के लॉन्ग होगा। उसी पोजिशन को हम रेस्ट, मीन पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन या रेस्ट पोजिशन कहते हैं। यानी कि एक ऑसिलेटिंग, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वो पोजिशन जहाँ पे वो रेस्ट में आ जाता है, उस पोजिशन को हम उसकी मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन या रेस्ट पोजिशन कहते हैं। मेन पोजीशन, यहाँ पे मेन पोजीशन को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हम मैस को मूव करवाएंगे। मूव कैसे करवाएंगे, हम इस पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं एफ। हमने ये एक फोर्स अप्लाई की है एफ, राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। मैस जो है वो डिस्प्लेस होना शुरू होगा। इसी असेंबली को हम दोबारा देख लेते हैं, और इस दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि मैस जो है मेन पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट पे जा चुका है, एक फासले पे जा चुका है, और इसके साथ साथ स्प्रिंग भी जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, इसकी लेंथ में भी जो है वो इंक्रीज आ रहा है। तो ये स्प्रिंग जो है इसकी लेंथ में भी इंक्रीज आ गया है। हॉरिजेंटल सरफेस, यहाँ पे हम सारा सिस्टम क्योंकि हॉरिजेंटल सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मैस जो था वो मेन पोजीशन ओ पे था, और यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की और ये एक नई पोजीशन पे आ गया। इस नई पोजीशन को
इस नई पोजीशन को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ये हम इसकी नई पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये पोजीशन जो है वो ए है। तो अब हम देखते हैं कि पोजीशन ए से, पोजीशन ओ से ए की तरफ डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है मैथ ने, और यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्स जो है इस, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये फोर्स जो हमने अप्लाई की है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या कहता है हमें, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हुक्स लॉ के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, जितनी यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और ये उस ऑब्जेक्ट के लिए होगा जिसमें इलास्टिसिटी होगी। और फिर फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई करेंगे, ये एक कंडीशन है हुक्स लॉ की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्प्रिंग जो है ये इलास्टिक है, स्प्रिंग है, मैस इसी स्प्रिंग के साथ अटैच है, मैस को हम मूव करवाते हैं तो साथ ही स्प्रिंग की लेंथ में भी चेंज आता है, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग एक्सपेंड जो हो रहा है वो भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो लेकिन फोर्स जो हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अप्लाई करेंगे, और इलास्टिक लिमिट क्या है, हम अगर जो है ऐसी हद है जहाँ तक हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसके बाद हम छोड़ें तो मैस स्प्रिंग जो है अपनी वापस अपनी असल हालत में आ जाता है, लेकिन अगर इस लिमिट इस हद के से ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज है वो परमानेंट हो जाता है और वो अपने आप को वापस असल हालत में नहीं ला पाता। तो अब फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम इसको लिख लेते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि हमने एक्स रिप्रेजेंट किया है। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वेशन में चेंज करते हैं तो हम किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करते हुए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कांस्टेंट जो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ के है। कांस्टेंट का मकसद ये होता है कि हम जान सकें कि दो क्वांटिटीज जिनका आपस में हम रिलेशन देख रहे हैं उनका एक दूसरे पे इफेक्ट कितना कम या ज़्यादा है, या इसका मतलब इससे मुराद ये है कि अगर हम एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो लाजमी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट भी एक ही मीटर प्रोड्यूस हो। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट या तो थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसी कमी बेशी को फिर कांस्टेंट से पूरा किया जाता है। इतना तो हमें पता है कि फोर्स ज़्यादा करने से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन कितना कम या ज़्यादा होगा वो फिर कांस्टेंट से जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, और ये कांस्टेंट जो आ रहा है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। बेसिकली स्प्रिंग अलाउ करेगा कि फोर्स जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, तो इसलिए जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और बेसिकली डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे। मटेरियल पे इसलिए कि कितना मटेरियल इलास्टिक है, जितना इलास्टिक होगा उतनी ही फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो इस तरह से ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं साथ ही स्प्रिंग जो है इसकी फोर्स अप्लाई करते हुए मैस को मूव करवाया तो साथ ही स्प्रिंग जो है इसकी लेंथ में इंक्रीज आना शुरू हुआ, तो ये अपनी इलास्टिसिटी की वजह से उस इंक्रीमेंट को, उस चेंज को अपोज करेगा, और जिस फोर्स से अपोज करेगा उसी फोर्स, वो फोर्स बेसिकली इसको इसकी नॉर्मल फॉर्म में रिस्टोर करवाना चाह रही है। तो और वो फोर्स किस लिए प्रोड्यूस हो रही है, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से फिर हम समझ सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन को, यानी कि यहाँ पे लेंथ में जो चेंज है ये डिफॉर्मेशन है इसकी शेप, इसकी लेंथ में, तो डिफॉर्मेशन में जो डिफॉर्मेशन को रिस्टोर कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या है हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इलास्टिसिटी की वजह से होती है, और ये रिस्टोर करती है डिफॉर्मेशन को, रिस्टोर्स डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन, जो कि इस केस में हमारे पास लेंथ में चेंज के मुताबिक आ रही है। डिफॉर्मेशन जो है वो लेंथ में चेंज है, तो वही लेंथ में चेंज जो है वो स्प्रिंग उसको रिस्टोर करवाना चाह रहा है अपनी रिस्टोरिंग फोर्स यूज करते हुए, जो इलास्टिसिटी की, उसमें इलास्टिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके बारे में मजीद जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।